हेलो दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज अपन बायो के अपने नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमने थेलोफाइटा से शुरुआत की थी प्लांट किंगडम की, जिसमें हम सबसे पहले एल्गी पढ़ चुके हैं, जो कि किसके एग्जाम्पल है, थेलोफाइटा के। जो नेक्स्ट अपना रहेगा वो है फंगी, यानी कि कवक। तो हमने क्या डिसाइड किया है आपके लिए, आपके टाइमिंग को और सेव करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम जो काम बाद में करते हैं वो पहले ही कर ले। जैसे लिखने वाला, जिसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो आपके टाइम सेविंग के लिए हमने एक नई चीज़ सोची है। वो ये है, क्यों ना हम पहले ही बोर्ड पे वो चीज़ें नोट डाउन कर लें, ताकि आपका टाइम भी बचे और कोई पॉइंट रह भी नहीं जाए। इसलिए हमने ये सोचा है कि हम पहले ही बोर्ड पे लिख के बाद में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ज़रूरी नहीं है ये मेथड हम परमानेंटली फॉलो करें, आप बता दीजिएगा। अगर ये मेथड आपको बेटर लगता है तो ठीक है, अदरवाइज हम प्रीवियस मेथड ही फॉलो कर लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो है फंगी। थैलोफाइटा में हमने तीन एग्जाम्पल लिए थे, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया। एल्गी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसके करेक्टरिस्टिक्स और उसके जितने भी डिजीज वगैरह, जो भी पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, वो सब। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फंगी, यानी कि कवक। सबसे पहला पॉइंट है कवक के बारे में, कि कवक की स्टडी जिसमें करते हैं, यानी फंगी की स्टडी जहाँ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं फंगी यानी कवक की, द स्टडी ऑफ द फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। यानी कि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है फंगी के बारे में, कि जो कवक या फंगी होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस, यानी कि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। यानी कि जो फंगी होंगे उनमें हरित लवक नहीं पाया जाएगा, इसी वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। इसी वजह से इनको कहा गया क्या, ये कौन सी श्रेणी में होंगे, हेटरोट्रॉफ, परपोषी। ठीक है, जैसा एल्गी के लिए हमने बोला था कि उनमें क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है, इसी वजह से अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको बोला गया था ऑटोट्रॉफ, इनको बोला जाएगा हेटरोट्रॉफ, यानी कि परपोषी, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। कौन, फंगी या कवक। ये प्रॉपर्टी इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होगा, फंगी के रिगार्डिंग आपको ऑप्शन गिवन होंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन फंगी के लिए करेक्ट है, तो वहां आपसे ऑप्शन में ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ गिवन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फंगी होते हैं वो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, इसी वजह से इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट माइकोलॉजी स्टडी को बोला हमने माइकोलॉजी। सेकेंड, हमने बताया कि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, यानी कि नॉन क्लोरोफिलस। थर्ड पॉइंट है नॉन वेस्कुलर। मैंने आपको कल बताया था कि जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, संवहन ऊतक है, जो कि मैंने बताया था, वो इसमें नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि थैलोफाइटा जो ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप में ही वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाएंगे। वेस्कुलर टिश्यू कौन से है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे टिश्यू वाले टॉपिक में, तो या फंगी में भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाएंगे, ये थर्ड पॉइंट। अगर फंगी के एग्जाम्पल हम देखें तो मशरूम और ईस्ट, ये दोनों ही क्या है, फंगी या कवक है। ठीक है, ये भी क्या है, कवक के एक टाइप ऑफ कवक हो गए फंगी के, मशरूम और ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसा हमने एल्गी के लिए पढ़ा था कि उसकी जो शेल वॉल होती है एल्गी की, वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। वैसे ही फंगी के अंदर जो शेल होगी, कोशिका होगी, उसकी जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी किसकी, काइटीन की। ठीक है, किसकी बनी होगी, काइटीन की बनी होगी। फिर हमने बात की थी एल्गी के टाइम की, जो फूड स्टोर होता है एल्गी में, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। फंगी में जो फूड स्टोर होगा वो ग्लाइकोजेन की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजेन की फॉर्म में फूड स्टोर होगा, किसमें, फंगी या कवक में। लास्ट पॉइंट इसका, फंगी और कवक में हम लास्ट पॉइंट अगर बात करें, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने एक फंगी है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। इस फंगी से एक एंटीबायोटिक तैयार की थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है किससे, किससे प्राप्त की जाती है, तो ये प्राप्त की जाती है पेनिसिलियम नोटेटम, जो क्या है, एक कवक यानी कि फंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फंगी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट, जो हम स्टडी करते हैं फंगी की, वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी।
फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई, नॉन क्लोरोफिलस यानी हरित लवक नहीं पाया जाएगा, इसकी वजह से ये फूड के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। नेक्स्ट, इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा, ये प्रॉपर्टी तो थैलोफाइटा में जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सब के लिए लागू होगी। एग्जाम्पल बताएं मशरूम और ईस्ट। फंगी की जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, काइटिन की। फूड जो स्टोर करेंगे वो किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजेन की फॉर्म में फूड स्टोर करेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक प्राप्त की थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, जो की थी किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से इन्होंने ये एंटीबायोटिक प्राप्त की थी। नेक्स्ट, हम इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है डिजीज, कि फंगी की वजह से कौन कौन सी डिजीज प्लांट में होगी और कौन कौन सी ह्यूमन बींग्स में होगी। अगर हम बात करें जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से पढ़ेंगे डिजीज के बारे में कि फंगी की वजह से कौन कौन सी डिजीज होंगी एनिमल्स में, बट यहाँ पर मैंने आपको एक बार के लिए बता दिया है ताकि याद रहे, बाद में हमारा रिविजन हो जाएगा फिर से। तो हम डिजीज की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं प्लांट में। तो फर्स्ट डिजीज है वाइट रस्ट ऑफ क्रूफेरस, यानी कि सरसों का सफेद किट रोग, यानी कि सरसों का सफेद किट रोग। अब मैं बताती हूँ इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है जो कि डिजीज का नाम देगा आपको, सफेद किट रोग, ये कौन सी प्लांट से रिलेटेड है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड पूछा जा सकता है कि सरसों में होने वाला सफेद किट रोग किसकी वजह से होता है, ऑप्शन गिवन होंगे फंगी, बैक्टीरिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सरसों का सफेद किट रोग है, फर्स्ट थिंग जो ये सफेद किट रोग है वो किसमें होगा, सरसों में, और किसकी वजह से होगा, फंगी की वजह से होगा। नेक्स्ट है टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, यानी कि टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली का टीका रोग। नेक्स्ट हमने बात की टीका डिजीज की, यानी कि टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड रोट ऑफ सुगर कैन, यानी कि गन्ने का लाल सड़न रोग, किसकी बात की। नेक्स्ट अपन ने रेड रोट ऑफ सुगर कैन, यानी कि गन्ने का लाल सड़न रोग। नेक्स्ट है विल्ट डिजीज ऑफ ग्राम, यानी कि चने का विल्ट रोग, चने का विल्ट रोग। नेक्स्ट है फ्रूट रोट ऑफ एप्पल, यानी कि सेब का सड़ना। नेक्स्ट है रेड रस्ट ऑफ वीट, नेक्स्ट डिजीज है रेड रस्ट ऑफ वीट, यानी गेहूं का लाल रस्ट रोग, गेहूं का लाल रस्ट रोग। फिर है इरगोट ऑफ बाजरा, ठीक है ये क्या थे। हम फंगी की अगर बात करें कि फंगी की वजह से प्लांट में कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो आपको यहाँ से दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिजीज का नाम देके प्लांट का नाम पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है ये डिजीज किसकी वजह से होती है। तो दो तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो सबसे पहला था वाइट रस्ट ऑफ क्यूरीफेरस, यानी सरसों का सफेद किट रोग। सेकेंड टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, यानी मूंगफली का टीका रोग। थर्ड रेड रोट ऑफ सुगर कैन, यानी गन्ने का लाल सड़न रोग। विल्ट डिजीज ऑफ ग्राम, चने का विल्ट रोग। फ्रूट रोट ऑफ एप्पल, सेब का सड़ना। रेड रस्ट ऑफ वीट, गेहूं का लाल रस्ट रोग। इरगोट ऑफ बाजरा, ये सब है किसकी वजह से, फंगी की वजह से होने वाली डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से रोग इनकी वजह से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथलीट फूट। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो एथलीट फूट डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, तो आप प्रोटोजोवा। तो आपको याद रखना है ये किसकी वजह से होती है, फंगी की वजह से होती है। नेक्स्ट केबीज, खाज, रिंग वॉर्म, दाद, बेल्डनेस, गंजापन, अस्थमा, मेनिनगिटिस यानी कि दिमागी बुखार। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ह्यूमन डिजीज जो है
एथलीट फुट बहुत बार पूछा जाता है, स्केबीज, रिंग वॉर्म, बैल्डनेस, अस्थमा और मेनिनगिटिस। अब एक बार फिर से इसको पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। एक पॉइंट और बता देती हूँ, लाइकेन, एक पॉइंट और यहां पर हम देख लेते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन की अगर हम बात करें तो लाइकेन आर मेड ऑफ एल्गी एंड फंगी। किस किस से मिलके बने होते हैं लाइकेन? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछा जाता है, जो लाइकेन होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? तो जो लाइकेन है वो एक थैलोफाइटा टाइप की एक वनस्पति है, अगर हम बात करें किसकी, लाइकेन की, जो कि कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। और लाइकेन की स्टडी जिसमें करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? लाइकेनोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, लाइकेन की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट थिंग हो गई, जो लाइकेन है वो भी कौन से ग्रुप में आता है? थैलोफाइटा ग्रुप में आएगा, ठीक है। किससे मिलके बना होगा? एल्गी और फंगी से। और लाइकेन की स्टडी जिसे करेंगे उसको बोलेंगे लाइकेनोलॉजी। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं फंगी को। नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे बैक्टीरिया से। तो हमने क्या पढ़ा, थैलोफाइटा में सेकेंड एग्जाम्पल लिया था फंगी। फंगी की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। नॉन क्लोरोफिलस हरित लवक नहीं पाया जाएगा, इसी वजह से फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, इसलिए बोलेंगे हेटरोट्रॉफ। नॉन वेस्कुलर यानी कि यहाँ पर संवहन जो उत्तक हैं वो नहीं पाए जाएंगे। संवहन उत्तक होते हैं जैसे जाइलम, फ्लोएम। इसके एग्जाम्पल हैं मशरूम और ईस्ट। जो फंगी की सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति होगी, वो बनी होगी काइटीन से। फूड स्टोर करेंगे ग्लाइकोजेन की फॉर्म में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की थी, किससे? पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगी से। फिर हमने बात की प्लांट डिजीज की। तो फर्स्ट है वाइट रस्ट ऑफ क्यूरीफेरस यानी सरसों का सफ़ेद किट रोग, टिका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, रेड रोट ऑफ सुगर कैन, विल्ट डिजीज ऑफ ग्राम, फ्रूट रोट ऑफ एप्पल, रेड रस्ट ऑफ वीट, एरगोट ऑफ बाजरा। फिर हमने बात की ह्यूमन बींग्स में होने वाली डिजीज की। फर्स्ट एथलीट फूट, सेकेंड स्केबीज, थर्ड रिंग वॉर्म, बेल्डनेस, अस्थमा, मेनिनगिटिस यानी कि खाज, दाद, गंजापन, अस्थमा, दिमागी बुखार। ये सब किसकी वजह से होती है? फंगी की वजह से होती है यानी कि कवक की वजह से। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने यहाँ पे पढ़ा लाइकेन के बारे में। जो लाइकेन है वो भी थैलोफाइटा ग्रुप में है और इसमें किससे मिलके बना होगा? एल्गी और फंगी से, यानी कि शैवाल और कवक से मिलके बना होता है लाइकेन। और जो लाइकेन की हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं लाइकेनोलॉजी।